आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में मुमताज लाइफ में। और आज मैं जा रही हूँ आप लोग के साथ एक रेसिपी शेयर करने, फूल को भी देखे मछली। मछली मैंने फ्राई कर चुका है चुकी हूँ ये रहा मछली और फूल को भी फ्राई हो चुका है। फोरन में है पांच फोरन, मिठाई भी लेते पांच फोरन डाला हुआ है। ओ वाओ, उसके बाद डाल दूँ प्याज। प्याज को अच्छी तरह भून लेना है। जिस तेल लिया था वो उसी तेल में मैं मछली बना रही हूँ। थोड़ा सा डाल दी थी क्योंकि कम हो गया था, तो इसमें प्याज जब तक थोड़ा सा लाल नहीं हो जाता है तब तक इसको भूनना है। उसके बाद इसमें पड़ेगा मसाला। चलिए तब तक मैं रेडी कर लेती हूँ मसाला। लहसुन इसमें है, सरसों लहसुन, और डाल रही हूँ इसमें अपने स्वाद, अपने जिसको जितना तीखा खाना रहता है उस अनुसार डालना है। दो चम्मच मैंने गूड़ा मिर्चा डाला है। ये है धनिया, पूरा धनिया। उसके बाद ये है हल्दी। हमारे घर में ख़त्म हो गया है जीरा, इसीलिए जीरा नहीं डाल रही हूँ। फोरन में डाल चुकी हूँ। कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च। इसमें मैं डाल दे रही हूँ सारे मसाले। तो मिक्स नहीं कर सकती थी, बंद कर। मसाला डाल को अच्छी तरह मिला लेना है। कैश ऑन डिलीवरी करना है ना क्या ऑनलाइन करना है? चलो करें आज। अच्छा ठीक है, हाँ सामान का वो लिंक भेज दो। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, मैं इसको वॉश ओवर करना होगा आपको। उसके बाद में मसाले को अच्छी तरह मिला लीजिए। इसको पूरा अच्छी तरह इसको भूनना है। भूनने के बाद में इसका जब कलर चेंज हो जाए, जब तेल छोड़ने लगे कढ़ाई में, तो समझिए आपका मसाला हो चुका है। इसमें मसाला अच्छी तरह से भुना गया है। इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिया है, देखिए टमाटर। टमाटर जब तक गलता नहीं है तब तक फिर से इसको पकाना है। थोड़ा सा पानी देके तो फिर से ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। जब पक जाएगा अच्छी तरह टमाटर तब फिर इसमें पानी डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, जितना रस चाहिए उतना मैं पानी डालूंगी। देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ गर्म पानी। गर्म पानी डालने से अच्छा होता है। फूल को भी देख के जो बनता है मछली ना, उसका रस जो होता है वो पतला होता है। पतला रहता है तभी अच्छा लगता है खा के। ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। सॉरी भैया, ठीक है ऐसा पतला होना चाहिए। और फिर ये थोड़ा अभी उबलेगा। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। पानी डाल दिया है, अब इसको उबलने के लिए रखते रहे। जब अच्छे से इसमें उबाल आ जाए तब इसमें डालूंगी मैं गोभी और फिर मछली। चलिए तब तक उबलने दीजिए। देखिए मछली का रस उबल रहा है अच्छी तरह से। इसमें मैं अब डालूंगी फूल गोभी जो मैंने फ्राई करके रखा है। दो मिनट उबल जाएगा, उसके बाद फिर मैं डालूंगी मछली। ये देखिए फूल गोभी भी उबल गया है, क्या मैं इसमें डालूंगी मछली।
इसको ढक देते हैं जी, थोड़ा सा जब उबलने लगेगा तब इसमें धनिया पत्ता दे के इसके बाद मछली तैयार। हो गई हमारी मछली तैयार। आप लोग को ये रेसिपी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।